प्रजापति को महाचुनाव लड़ना चाहते हैं और सदन के पहुंचा पहुंचा देश भर में लोकसभा चुनाव की आहट के साथ ही राजनीति में भी हलचल तेज हो चुकी है। बात मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की करें तो यहां से दारा सिंह प्रजापति को बहुजन समाजवादी पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया जा चुका है, जिसकी घोषणा बसपा के पश्चिमी प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राय ने कर दी है। प्रजापति समाज से दारा सिंह को पार्टी का प्रभारी नियुक्त करने पर समाज के लोगों में भी खुशी की लहर देखी जा रही है। पश्चिमी प्रदेश प्रभारी का कहना है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में इस बार कुमारी मायावती द्वारा दारा सिंह प्रजापति को ही उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा जाएगा, जिसकी अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होते ही इस बात की घोषणा भी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तब तक के लिए मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर दारा सिंह प्रजापति को प्रभारी नियुक्त किया गया है और दारा सिंह प्रजापति को बसपा के लिए मैदान में कार्य करने के लिए उतारा गया। बता दें कि इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। वहीं पिछड़े एवं दलित समाज के साथ ही सर्व समाज के लोग भी दारा सिंह की नियुक्ति पर उन्हें बधाई व शुभकामनाएं दे रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एससी एसटी ओबीसी और खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की आज अनदेखी की जा रही है, जिससे ये वर्ग पीड़ित और शोषण का शिकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज समाज को और देश को बदलने की जरूरत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बचाने की जरूरत है और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एक साथ होकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। अगर गुलामी से मुक्ति चाहते हो, इन भाजपा और सपा को सबक सिखाना है जो यहां लड़ाने का काम कराना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी दबे और कुचले मजलूम के साथ साथ इस प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर जो दलित समाज के लोग थे, उन्होंने मुस्तैद होकर मरना तो पसंद करा, लेकिन अपना वोट डिवाइड ऐसा नहीं, वोट अपना बहुजन समाज पार्टी को दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पाल प्रजापति कैसे विशाख सैनिक समाज के लोगों, ब्राह्मण समाज से लेकर ठाकुर समाज के लोगों, मैं आपसे मुस्लिम समाज के लोग अपील करना चाहता हूं कि आप देख रहे ना, दूसरे लोग एक वोट से शुरुआत करेंगे और बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट 2.5 लाख वोटों से शुरुआत करेगा जो बेस वोट है। जी ने विश्वास किया अति पिछड़ों पे, अति पिछड़ा समाज आज तक बीजेपी के वोट बनकर रहा 99%। आज पहली बार 78 सालों में कहीं ना कहीं बहन जी ने ऐसे समाज पे विश्वास किया है। और मैं लंबे टाइम से, मैं 15 सालों से लगातार बहन जी डीएसपी में हूँ, तो एक कार्यकर्ता पर जो विश्वास किया है मैं उससे पूरा उतरूँगा। किन मुद्दों को लेकर समाज के बीच में आप मुद्दे हैं? आज की तारीख में महंगाई है, आज की तारीख में व्यवस्था खराब है, आप स्वास्थ्य का बिल्कुल देख लें, सारी जितने भी मुद्दे हैं वे सब बिगड़े हुए हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं समाज के बीच में जाऊँगा। वो यही यात्रा थी कि समाज अपनी भागीदारी मांगता था, हिस्सेदारी मांगता था। हिंदुस्तान में 4.5% है और 4.5% में 3 लोकसभा आती है, 30, एक नहीं मिली 78 सालों में। वो बहन जी ने जो उन्होंने लाठी लगाई थी उससे मरम लगाने का काम किया बहन जी ने, तो उसे हम पूरा करेंगे। मेरा समाज पूरा साथ रहेगा और सभी सब समाज में जाएगा। और इसकी देखिए, ऐसा समाज है ये सोचते होंगे डर जाएगा, क्योंकि इनका वोट बैंक है 99%, तो इन्होंने सोचा कि बुलडोजर चलाकर कहीं ना कहीं दबा लोगे। कल मेरे 2 फार्म हाउस हैं उन तक बुलडोजर चलाया, पहले भी 1 साल पहले चलाया, अभी अभी लाठिया डंडे खाए। मगर अब ये समाज सड़कों पे आ चुका है और जो पार्टी ये सत्ता में बैठी है इसको तीसरी बार पीएम बनाने के सपने देख रही है, तो कहीं ना कहीं हमारा समाज पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान में वोट नहीं देगा और वो जो लाठी की चोट है उसकी वोट की चोट नहीं बदलती। प्रजापति समाज भाजपा का मूल वोटर माना जाता है, 99% माना जाता था, मगर आज नहीं, आज पूरे आप जांच करा ले, आज पूरे उत्तर प्रदेश में इसी लोकसभा में जांच करा ले, आज विरोध कर रहा है, स्टिकर लगा रहा है अपने घरों पर। मुकाबला हमारा बीजेपी से है और जीतेंगे हम लोग। आप देख लो, हमारी 4 लाख वोट एससी हैं,
जो दो बार से अपनी वोटें डाल पाए, 1.5 लाख हम हैं, तो हम ही इतने मजबूत हैं जो हमारी वोटें बिखरी हुई हैं, तो 5.5% तो ये बैठती है। और मुस्लिम हमारे साथ है, कश्यप हमारे साथ है, बैकवर्डपुरा हमारे साथ है, ठाकुर हमारे साथ है, त्यागी हमारे साथ है, कोई ऐसी जाति जिसके साथ सर्व जातियाँ होंगी, सब समाज होता है, वो जीतता है।